भारतीय जनता पार्टी के नेता, जयपुर के प्रथम मेयर एवं किसनपोल के पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता अपने जन्म दिवस पर भी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस को नकारा और निकम्मी सरकार का सर्टिफिकेट दे डाला। मोहनलाल गुप्ता ने अपना जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। कबूतरों को दाना, गौ सेवा, लंगर, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जाँच, स्कूली शिविर एवं स्कूली बच्चों को मिठाई वितरित की। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता का आतिशबाजी के साथ केक काटकर स्थानीय निवासियों ने अभिनंदन किया। राजस्थान में जो सर्वत्र भ्रष्टाचार दिख रहा है और साथ ही साथ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कुशासन नजर आता है चारों ओर चोरी का बोलबाला है, डकैती का बोलबाला है। सेक्रेटेरिएट के अंदर ही जहाँ सोना मिल रहा है, नोटों के बंडल मिल रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है ये सरकार भ्रष्ट है। और साथ ही साथ महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। और जिस प्रकार से युवकों को के ऊपर चोट पहुँचाई है पेपर लीक के माध्यम से, कांग्रेस के लोगों ने जो लूट की है, पेपर लीक किया है, उससे नौजवानों का भविष्य खतरे में आ गया। उनको हम नौकरियाँ निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। इस पूरी कांग्रेस भ्रष्ट सरकार के लिए निश्चित रूप से जनता आगे आ रही है और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेगी।